जहाँपना की जय। हाँ भाई। जहाँपना, ये बच्चे में लाल मस्जिद के पास अकेली मिली और ये अपने माँ बाप से बिछड़ गई है। या अल्लाह, तो तुम इसे यहाँ लाए क्यों? और कहाँ ले जाते बलदेव जी, बच्ची अपने माता पिता से बिछड़ गई। ये तो कुछ भी नहीं, अरे हमारे मैके में जो बच्चे बिछड़ते थे, क्या बिछड़ते थे, एक बार एक लड़की अपनी माँ से जन्म के वक्त बिछड़ी थी, ठीक 17 साल के बाद शादी के वक्त मिली। तो भूपी हम इसकी भी शादी का ऐलान करवा देते हैं, इसकी भी अम्मी मिल जाएगी। चुप कर बेवकूफ। जापना, हमें तो बर्बादी की बू आ रही है। बलदेव, कहीं आपने अपने आप को ही तो नहीं सूंघ लिया है? नहीं नहीं जापना, हमें तो लगता है किसी दुश्मन देश के राजा के द्वारा भेजी गई खतरनाक चाल है। लो कर लो बात, तलाशी लो इसकी। नहीं हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें अम्मी के पास जाना है। रुक जाइए। जा सकते हैं। आपका नाम क्या है बेटा? देखिए, घबराइए मत, यहाँ कोई आपको कुछ नहीं करेगा। अपना नाम बताइए। परी। परी, कितना प्यारा नाम है। हमारा नाम है बीरबल। बीरबल भाईजान। आपके बीरबल भाईजान, और वो हैं जापना भाईजान। हाँ भाई। हिंदुस्तान के बादशाह अकबर। सलाम। सलाम परी, बताइए आपका घर कहाँ है? उधर। उधर? बेटा परीब, झापना के कहने का मतलब है कि आपको आपके गांव का नाम पता है? गांव की कोई भी चीज, मसलन कोई किला, कोई पहाड़, कोई पेड़, कोई नदी, कुछ भी। हाँ, नदी। नदी? बहुत खूब। और उस नदी के आसपास क्या है? बेटा मगरमच्छ। मछली या कछुए भी होंगे। हाथी घोड़े? हाथी घोड़ा नदी में क्यों होंगे? पानी वानी पीने जाते होंगे ना फूफू। परी, आप बता रही थी। एक बड़ा सा पेड़। बड़ा सा पेड़? सिपाहियों, हिंदुस्तान में नदी के आसपास जितने भी पेड़ हैं उन सबको उखाड़ के लाया जाए। परी उन पेड़ों में से अपने पेड़ की पहचान करेगी, है ना? खामोश खरगोश। काश आपके पैदा होते ही किसी नदी के पास के पेड़ के ऊपर आपको छोड़कर आए होते। आप आपके हाथी पट्टी किसने बांधी? अम्मी ने। बेटा आप को अपनी अम्मी का नाम पता है? हाँ। हाँ। अम्मी का नाम है अम्मी। जा अपना। हाँ भाई। हमें तो लगता है ये कोई खेल खेल रही है। बलदेव जी, इतनी प्यारी सी बच्ची है, कैसा खेल? बेटा आप बताइए कि आपकी अम्मी जान जो है वो दिखती कैसी? बहुत अच्छी, दुनिया की सबसे खूबसूरत अम्मी है। एक बात तो हमारे पल्ले पड़ रही है जहाँपना, इसकी अम्मी देखने में सुंदर है जैसे कि हम। तो क्यों ना हम आसपास के गांव शहर की जितनी भी सुंदर औरतें हैं उन्हें बुलाए, और जरूर उनमें से कोई एक परी की अम्मी जान होगी। लो कर लो बात। ओ ओ ओ मसकली। ओ ओ हो 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 हो। वाह 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 वाह, क्या कमाल की सोच है आपकी। अरे फूफू, आखिर बहन किसकी है? दीमा।
तो ये फरमान जारी कर दिया जाए, हमारी रियासत में जितनी भी खूबसूरत औरतें हैं उन्हें कल हमारे इस महल में पेश किया जाए। और तब तक बेटा परी, आप यहां पर हमारी मेहमान बनकर हमारे महल में रहेंगी। परी बेटा, आपकी अम्मी जल्दी मिल जाएगी, तब तक हम हैं ना आपके साथ। रानी साहब नान, बेटा आप हमें रानी अम्मी कहकर बुलाइए, हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। बहन की तो मती मारी गई है। आप कुछ खा क्यों नहीं रही है बेटा? देखो इतनी सारी चीजें आपके लिए, ये कोफ्ते है, ये रोटी है, ये पुलाव है, ये बादाम पिस्ते वाला दूध है, और ये शरबत है, आओ खाओ। ये सब मैं नहीं खाती। आप नहीं खाते तो आप क्या खाते हो बेटा, बताओ हमें, हम वो बना देंगे। वो मेरी अम्मी छोटी कटोरी में दाल भात लेकर आती थी, वही चाहिए मुझे रानी अम्मी। ये सब तो मैंने देखा ही नहीं है, नहीं खाना मुझे ये। झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है। ठीक है बेटा, आपकी अम्मी की तरह हम भी इस कटोरी में खाना डालकर आपको खिलाएंगे, आओ लो खाओ। नहीं, मुझे नहीं खाना। परी बेटा, परी सुनो तो। ओ बेटा 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 रुको बेटा, अरे अरे बेटा हम फंस गए बेटा, अरे बेटा फंस गए। हाँ धक्का दो। बेटा बेटा खा लो, अरे खा लो ना बेटा, आओ 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 खा। बलदेव जी, अब तो आपको यकीन हो गया कि ये प्यारी सी बच्ची कोई जासूस नहीं है। बिरबल जी, आपको जासूसी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, हमें तो अभी तक इसकी मासूमियत पर यकीन नहीं है। क्या? ये क्या? हिंदुस्तान में खूबसूरत औरतों का अकाल पड़ा हुआ है। शहजादे सलीम, क्या है कि हमारे मुच्छड़ सिपाहियों को देखकर आधे से ज्यादा औरतें भाग गईं। हैं? ओहो, तो अच्छा हुआ कि हम मूछे नहीं रखते। मूछ क्या चीज है, बेहतर होता कि अगर आपका मुंह ही नहीं होता। खैर तो बताइए परी, इनमें से कौन है आपकी अम्मी जान? परी, परी मेरी बच्ची, परी तू कहाँ चली गई थी? मैंने तुझे कहा था ना कि मस्जिद की सीढ़ियों से कहीं नहीं जाना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची मुझे मिल गई, मेरी परी। अरे वाह, परी की अम्मी मिल गई, चलो सब तालियां बजाओ। अरे सलीम भाई साहब, अब तो वो नदी के ऊपर जो पेड़ था वो भी मिल जाएगा। चल बेटा घर चल। नहीं, ये मेरी अम्मी नहीं है। परी देख, मैं ही तेरी अम्मी हूँ। आप लोग डरिए नहीं, ये बहुत सहम गई है ना, इसलिए मुझे पहचान नहीं रही है, घर जाके इसे सब याद आ जाएगा। हाँ परी देखो, तुम्हारी अम्मी के साथ जाओ, और ये वैसे भी बहुत सुंदर भी है। हाँ बेटा चलो चलो। रुक जाइए, देखो तुम्हारी अम्मी के साथ जाओ, और ये वैसे भी बहुत सुंदर भी है। हाँ बेटा चलो चलो। रुक जाइए। तो आप परी की अम्मी? जी। अच्छा कि परी को उनकी अम्मी जान मिल गई। एक प्रश्न हमारे दिल में था, ये बताइए कि परी का सबसे पसंदीदा रंग कौन सा है? नारंगी। नारंगी पसंद है जी। हमें मुंडी मरोड़ना बहुत पसंद है। गुलाबी, गुलाबी। परी बेटा आप बताइए, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? मेरा पसंदीदा रंग पीला रंग है। पीला रंग है इनका पसंदीदा रंग। हो सकता है आप भूल गए होंगे, है ना?
कोई बात नहीं, हम आपसे एक और प्रश्न पूछते हैं। ये बताइए कि परी का सबसे पसंदीदा खिलौना कौन सा? मोम की गुड़िया। मिट्टी का हाथी। लकड़ी का घोड़ा। तीन गलत जवाब दे चुकी हैं आप। चलिए परी से ही पूछते हैं। परी, आपका सबसे पसंदीदा खिलौना कौन सा है? कागज की कश्ती। कागज की कश्ती, आपको ये भी नहीं पता? आप परी की अम्मी होने का दावा करती है और आपको परी के बारे में छोटी सी छोटी चीज भी नहीं पता। आप परी की अम्मी नहीं हो सकती। बताइए कौन है आप? बिरबल भाईजान। चहपना, मुझे माफ कर दीजिए, मैं वाकई में परी की अम्मी नहीं हूँ। वो तो धन की लालच में मैंने ये सब कुछ किया। मुझे लगा परी के साथ साथ शाही खजाने में से कुछ मोहरे मिल जाती तो। आप माफ करने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन आप एक औरत है, ऊपर से खूबसूरत भी है। हाँ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें हमारे महल के बाहर, फिर कभी इनकी शक्ल हमें दिखाई नहीं देनी चाहिए। ले जाओ। उसके अंदर थी बड़ी खलबली, यूं ही माँ बनने चली। खैर, कल और सुंदर हसीन औरतें आने वाली है जहाँ पना। परी, दिल छोटा मत कर, आएगी तेरी भी हंसने की बारी, मिल जाएगी अम्मी तुम्हारी। छा पना, अगर इसी तरह हम परी की अम्मी जान को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कभी माँ बेटी का मिलन हो ही नहीं पाएगा। अब परी बेटा, तुमने अपने अब्बू जान के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। कहाँ है आपके अब्बू जान? ऊपर। परी, ऊपर से क्या मतलब है आप? ये बताइए कि आपके अब्बू जान दिखते कैसे थे? कद काठी, नाक नक्शा कैसा था उनका? मैंने तो कभी उनको देखा नहीं, पर अम्मी जान कहती थी कि वो अल्लाह मियां के पास है। यानी कि परी के अब्बू का इंतकाल हो चुका है और उसके हाथ पे बंधी ये नारंगी रंग की पट्टी इसकी अम्मी जान ने बांधी, मामूली सूत की पट्टी, मतलब परी किसी गरीब घर की बेटी है। अरे सो जा परी, सो जा, नहीं तो तुर्रम आ जाएगा, तुर्रम खान। ये तुर्रम खान किस खेत की मूली है शहजादे? उस खेत की जिसकी मूली कभी खाई नहीं जाती है, बस विस्फोट करने के काम आती है। आप लोग बच्ची को सुला रहे हैं या डरा रहे हैं? शाइखून है हम, बच्ची को सुलाना तो हमारे दाएं हाथ का खेल है। ये आपका बायां हाथ है। आप बिरबल जी, तो आप सुला के दिखाइए ना। हाँ, सुलाइए दाया बाया। हमने कभी किसी बच्चे को सुलाया नहीं है। बिल्कुल भाईजान, मुझे लोरी सुनाओ ना। लोरी? अम्मी जान मुझे लोरी सुना के ही सुलाती थी, तभी नींद आती थी। सुनाइए ना बिरबल जी। हाँ हाँ बिरबल जी, सुनाइए ना दाया बाया। कोशिश करते हैं। मित्र तानसेन। सो जा बिटिया रानी। छा गए बीरबल। अम्मी के दुलारे। बहुत खूब। अबू आएंगे। लेकिन आपके होठ तो हिल नहीं रही, आवाज कहाँ से आ रही है बीरबल जी? सो जा बिटिया रानी, सो जा अम्मी के दुलारी।
जा बिटिया रानी। परी बेटा, आज ना, आज आपको आपकी अम्मी जरूर मिल जाएगी, और अगर नहीं मिली ना तो हम आपको अपनी बिटिया रानी बनाने को तैयार है। क्यों जहां पना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी हमारे बेटे ने तो हमारी दुनिया बंजर कर रखी। बेटी मतलब सुकून की खेती। अरे ये घूंघट में कौन औरत है, इसे कहो पर्दा हटाए, तभी तो परी पहचान पाएगी। ए, सुना नहीं तूने? घूंघट उठा। किसने अंदर आने दिया? हमने। अम्मी जान, कहाँ चली गई थी तू? अम्मी कहाँ चली गई थी? परी, तुमने तो कहा था तुम्हारी अम्मी दुनिया की सबसे खूबसूरत अम्मी है। हाँ भाई, हम सोच सोच के पागल हुए जा रहे हैं कि ये परी की अम्मी जान कैसे हो सकती है। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। परी, ये सचमुच में आपकी अम्मी है? नहीं जापना, हम इसकी अम्मी नहीं है। देखा, हमने कहा था ना ये तुम्हारी अम्मी नहीं है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है परी। चल रुक जाइए। एक बच्ची को अपनी माँ से अलग आप कैसे कर सकते हैं? अरे बिरबल जी, सुना नहीं आपने? ये औरत खुद कह रही है कि ये इसकी अम्मी नहीं है। जहां पना, हमें तो लगता है ये कोई जासूस है। बलदेव जी, भाई साहब, बस कीजिए। जहां पना, हाँ भाई, ये औरत इस बच्ची की असली माँ। लेकिन बीरबल, हम ये बात ऐसे कैसे मान ले? ये खुद कह रही है कि ये परी की अम्मी नहीं है। अभी बताते। तो परी आपकी बेटी नहीं। आपको पता है, कल रात आपकी लोरी सुनकर ही परी को नींद आई थी। लोरी जो आप कैद खाने से गा रही थी। सो जा अम्मी की दुलारी, सो जा बिटिया रानी। अच्छा, तो वो लोरी गाने वाली औरत यही थी? पर ये कैद खाने में कैसे? कैद खाने में इसलिए जा पाना क्योंकि ये खुदकुशी करने जा रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि ऐन वक्त पर सिपाहियों ने इन्हें देख लिया और कैद खाने में डाल दिया। भुखमरी, बेबसी, लाचारी और गरीबी से तंग आकर ये ऐसा करने जा रही थी। क्यों, यही है ना आपकी कहानी? लेकिन ऐसा करते वक्त आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके जाने के बाद आपके मासूम बच्ची का क्या होगा? और अगर अब भी किसी को शक है कि ये औरत परी की मां नहीं है, तो ये देखिए जा पड़ा, परी के हाथ पर बंधी पट्टी और उसकी माँ का आंचल। क्या अब भी आप कहेंगे कि ये प्यारी सी बच्ची आपकी बेटी नहीं? अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। आप ही हैं परी की असली अम्मी जान। हाँ जापना,
हम भी इसकी अम्मी जान है, हम भी इसकी अम्मी जान है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। फिर इतनी देर इनकार क्यों करती रही? इसलिए क्योंकि मैं दुखियारी इसकी परवरिश नहीं कर सकती थी। इसलिए अभी जब मैं दरबार आ रही थी तो रानी साहिबा के मुंह से इसे गोद लेने की बात सुनी। मैंने सोचा सब कुछ अपने बच्चे की भलाई के लिए किया जापना, मैंने सब कुछ इसकी भलाई के लिए। एक माँ से अलग होकर उसकी बच्ची की कभी भलाई नहीं हो सकती। इसकी परवरिश आप ही करेंगे। चापना? सही कहा आपने रानी साहिबा, आज से परी की परवरिश की जिम्मेदारी हमारी। परी को किसी भी चीज की आज के बाद कमी नहीं होगी। ये मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर का वायदा है आप। शुक्रिया बिरबल भाई जान। तो आ जाइए। तो देखा आपने, खूबसूरती की इससे अच्छी परिभाषा नहीं हो सकती। हर बच्चे के लिए उसकी माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ होती है। कम से कम ये बात तो आज आप समझ ही गए होंगे। बीरबल।